हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सकर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह ये देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर हैक हुआ हुआ है या नहीं, किस तरह आप लोग पता चलाएंगे कि अपना कंप्यूटर जो है आपका, उसमें आपके किसी सॉफ्टवेयर में स्पाईवेयर है, यानी किसी में मीटर पेटर सेशन चालू हुआ हुआ है। मतलब मीटर पेटर सेशन अगर आपको नहीं समझ आता, जैसे बहुत लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स आप देखेंगे तो उसमें बताया जाता है कि आप लोग किस तरह सामने वाले का कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, किस तरह उसको अपना मतलब विक्टिम बना सकते हैं। तो उसमें बहुत सा तरीका दिखाया रहता है बहुत से सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसमें मीटर पेटर इंजेक्ट किया जाता है कुछ फाइल्स में, ताकि वो सामने वाले के विक्टिम के कंप्यूटर में जा करके इंजेक्ट हो जाए और उसमें प्रोसेसेस में वो चलता रहता है। पीछे में उसके आपका फाइल कॉम्प्रोमाइज रहता है, आपका एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो हैक हो जाता है और जो हैकर होता है वो उसका फायदा उठाता है और वहाँ से सारे फाइल्स को डाउनलोड कर लेता है। आपके कंप्यूटर पर उसकी एक नज़र रहती है, बेसिकली वो एक स्पाईवेयर होता है। तो स्पाईवेयर आप कैसे पता चला सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में किसी ने स्पाईवेयर लगाया हुआ है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपके डाटा को चोरी कर रहा है, ये आप कैसे पता चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह मीटर पीटर सेशन चालू है आपके कंप्यूटर में या नहीं है, किसी एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया या नहीं किया गया, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आप लोग ये किस तरह पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप लोग किस तरह अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में किसी ने स्पाईवेयर लगाया हुआ है, किसी ने मीटर प्रिंटर सेशन ऑन किया हुआ है या नहीं। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटी पोनी मास्टर लिखा हुआ है, इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको देखिए अपने ब्राउजर पे जाके जब आप सिंपली एंटी पोनी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे गिटहब का लिंक मिल जाएगा। इस गिटहब के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए आप इस फाइल को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लोग exe देख सकते हैं, इसमें आप लोग जाएं। अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है यानी 64 बिट का है तो आप लोग इसे ओपन करें, अगर आपका 32 बिट का कंप्यूटर है तो आप लोग 86 वाले को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर 64 बिट का है तो हम लोग 64 को ओपन करेंगे। 64 यहाँ पे एंटी पॉन लिंक देख सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करें। ये देखिए यहाँ पे आप लोग पूछेगा यस नो के लिए, यस कर दें आप लोग इसमें। अब आप देखिए ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप पूरे कंप्यूटर को स्कैन करेगा और देखिएगा कि इसमें आपके किसी भी कंप्यूटर के प्रोसेसेस में, यानी जो भी प्रोसेस आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, उसमें किसी में मीटर पेटर सेशन तो नहीं अटैच है, किसी ने स्पाईवेयर तो नहीं अटैच कर दिया। हो सकता है आप लोग पैच सॉफ्टवेयर यूज करते हो सकता है आप लोग पेड सॉफ्टवेयर के लिए क्रैक यूज करते हो, तो उसमें बहुत से लोग पैच में आप लोगों के लगा देते हैं मीटर पेटर सेशन, ताकि वो आपकी जानकारी को इकट्ठा कर सके। इसलिए देखिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोसेसेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर में मीटर पेटर सेशन लगा हुआ है। तो अगर ये वीडियो यहाँ पे भी थोड़ा सा लंबा हुआ स्कैन करने में, अगर इसमें थोड़ा टाइम लगा तो हम लोग ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं अभी आगे। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा मीटर प्रिंटर सेशन में एक प्रोसेस मिला है। देखिए आईडी मैन यानी कि आईडीएम, ये आईडीएम में हम लोगों को इसलिए मिला है क्योंकि मैं आईडीएम का क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहा था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आईडी मैन प्रोसेस की आईडी दिखाई गई है, यहाँ पे एड्रेस दिखाया गया है कौन से सॉफ्टवेयर का लोकेशन है जिसमें मीटर प्रिंटर सेशन ऑन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आईडीएम ऑन था, स्टार्ट था आईडीएम, तो यहाँ पे आप लोगों को आईडीएम दिख रहा है। उसके अलावा और किसी सॉफ्टवेयर में आप लोग यहाँ पे उसने मीटर पीटर डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन जिसमें डिटेक्ट किया उसको देखिए ये मैंने पैच किया हुआ था, ये मैंने क्रैक डाउनलोड किया था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे मीटर पीटर सेशन दिख रहा है। तो अभी मैं इस वीडियो को खत्म करने के बाद इसे रिमूव करके नया आईडीएम इंस्टॉल करूंगा। इसलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया किस तरह आप लोग मीटर पीटर अपने कंप्यूटर में डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में मीटर पीटर किसी ने लगाया हुआ है, किसी ने स्पाईवेयर लगाया हुआ है कि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी आप थोड़ी फिक्र करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप तक आती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, इससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे वीडियोस का। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।